एंड वेलकम टू माई चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये मेरे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। आज मैं आपको दे रही हूँ अपने डाइनिंग रूम का टूर। वैसे तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपने कई बार स्पेस को देखा होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग यहाँ से करती हूँ, पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटेल में कि मैंने क्या क्या बनवाया है, उसके पीछे क्या पर्पज़ था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपके लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले ओवरऑल एक लुक देती हूँ। लिविंग और डाइनिंग यहाँ पे अटैच्ड है, तो एक बहुत बड़ी सी स्पेस है, एक बहुत बड़ा सा वॉल है जहाँ पे मैंने सब कुछ क्रिएट किया है अपनी लिविंग स्पेस के लिए और डाइनिंग स्पेस के लिए। तो लिविंग स्पेस कभी मैं बाद में डिटेल में आपको बताऊंगी, चलिए अभी अपने डाइनिंग रूम की बात करती हूँ। तो पहले मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ किचन से, तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा डाइनिंग एरिया। लिविंग और डाइनिंग को सेपरेट करने के लिए मैंने एक पार्टीशन का इस्तेमाल किया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये वीनियर से बनाया गया है और इस पर मेलामाइन पॉलिश की गई है, और यहाँ उसके बाजू से हमारा वॉल यूनिट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा लिविंग और डाइनिंग बिल्कुल एक ही रो में है, तो अगर हम कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं करते तो डिमार्केशन नहीं हो पाता कि कहाँ से लिविंग रूम खत्म होता है और कहाँ पे डाइनिंग शुरू हो जाता है। तो विजुअली वो पता चले इसके लिए पार्टीशन देना सबसे अच्छा रहता है। हमने वीनियर का पार्टीशन दिया है, बिल्कुल फ्लोर टू सीलिंग कर दिया है, काफ़ी लंबे हाइट का है, उससे घर की हाइट भी बढ़ जाती है और दिखने में भी अच्छा रहता है। हमने ऐसा लैमिनेट चूज़ किया जो वीनियर से रिजेंबल करता हो, उसमें भी नर्व्स हो। उसके बाद एक ऐसा लैमिनेट चूज़ किया जिसके ऊपर पॉलिश चढ़ जाए, तो थोड़ा सा रफ सरफेस का हमने लैमिनेट चूज किया है और उसके ऊपर क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। तो जो पॉलिश हमने विनियर में की है मेलामाइन, वही सिमिलर पॉलिश हमने लैमिनेट्स पे भी कर दिया है। इससे क्या हुआ है, इससे कंप्लीटली सेम कलर हम अचीव कर पाए हैं वुड का। एनीवेज तो ये टेक्निकल बातें हैं कि ये पूरा लैमिनेट है और इधर में हमारे लिविंग में पूरा हमने विनियर का इस्तेमाल किया है। सेफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल जो है वो रियल शीशम वुड का है। तो हमारा जो डाइनिंग रूम है वो साइज में काफ़ी अच्छा है, लगभग 11 बाय 17 की हमको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। इसीलिए हमने ऐसा किया कि हमने इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट हमने रखा है डाइनिंग रूम के लिए और दूसरा जो पार्ट रखा है हमने थोड़ा सा स्पेस करके वहाँ पे हमने थोड़ा सा बैठने का एरिया बनाया है, सिटिंग एरिया बनाया है, जिससे आप कॉर्नर भी बोल सकते हो रूम का, जहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हो। तो बेसिकली हमने वैसा एक स्टडी एरिया वहाँ पे क्रिएट किया क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्पेस का डाइनिंग रूम था।
यहाँ पे जो हमारा डाइनिंग टेबल है एक्चुअली ये 6 सीटर है, यहाँ पे हम चाहे तो आराम से 6 जने बैठ के खाना खा सकते हैं, पर क्योंकि हमारे यहाँ उतने लोग नहीं आते हैं, उतने गेस्ट नहीं आते हैं, तो हमने फिलहाल यहाँ पे 2 चेयर ही रखा है और हमने एक बेंच क्रिएट कर लिया। यहाँ पे बेंच क्रिएट करने से क्या होता है, स्पेस बहुत अच्छी सी मिल जाती है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं बेंच को तो डाइनिंग टेबल को हम घसका सकते हैं और पूरी जगह मिल जाती है वॉक करने के लिए, 2 लोग वहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं। बेंच के अंदर हमने स्टोरेज दे दिया है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा कुशंस वगैरह रखना हो तो वहाँ पे आराम हो जाता है। चेयर्स हमने बहुत बल्कि नहीं इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो ये विजन है ये ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ये जो हमारा फ्लैट है इसकी सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि इसका जो लिविंग और डाइनिंग है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ओपन है, और हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ भी ब्लॉकेज क्रिएट करें। तो जब हम फॉयर से देखते हैं तो पूरा एंड तक देख पाते हैं घर का, जब हम लोग बैल्कनी से देखते हैं तो फॉयर तक देख पाते हैं, बहुत अच्छी लाइट आती है, हवा आता है, तो यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो इसलिए हमने डिज़ाइन ही घर को ऐसे किया, स्पेशली इस रूम को ऐसे डिज़ाइन किया कि ऐसा ना हो जाए कि चेयर्स बहुत बल्की आ जाए और हमारा व्यू यहाँ पे ब्लॉक हो जाए। सॉफ्ट फर्निशिंग की बात हो या फिर कोई डेकोर पीस की बात हो, मैंने ट्राई किया है कि उसको सिमिलर पेज पे रखे, बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है ताकि आंखों को दिखने में ठंडा भी लगे और साथ ही साथ में ओवर द पीरियड में ये देख के बोर ना हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा कलर अगर हम भर देते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद हम उससे बोर हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, या तो मैंने न्यूट्रल शेड में चीज़ें रखी हैं, थोड़ा सा उसमें एक नयापन लाने के लिए, थोड़ा सा उसको वाइब्रेंट करने के लिए मैंने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है, चाहे वो कुशन कवर की बात हो, कोई कैनिस्टर मैंने रखा हो, कोई बुक हो, मैंने ध्यान रखा है कि थोड़ा बहुत मैं कहीं कहीं पे ज्योमेट्रिक पैटर्न को पॉप करूं जो वुड के साथ बहुत अच्छा जाता है। उसके अलावा मैंने बेज कलर का इस्तेमाल किया है और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है और बहुत ही कम जगहों पर मैंने ग्रीन डाला है, वुड के साथ में ग्रीन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो इसीलिए पूरा डाइनिंग रूम हो या पूरा लिविंग रूम हो उसमें कलर को मैंने काफी अच्छे से बैलेंस किया है, दिखने में भी प्यारा लगता है और आंखों को ठंडक भी पहुंचाता है। मैंने हर जगह वार्म वाइट लाइट का ही इस्तेमाल किया है, चाहे फॉल सीलिंग से वो लाइट आ रही हो, टेबल लैम्प से आ रही हो, हर जगह मैंने वार्म वाइट का इस्तेमाल किया है, इससे घर दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत तरीके के लाइट्स आते हैं, वाइट आता है, वार्म वाइट आता है, या फिर आप मिक्सचर भी ले सकते हो, तो मैंने वार्म वाइट ही रखा है। उसके साथ में डाइनिंग रूम में मैंने ट्राई किया है कि मैं अलग अलग तरीके का लाइट सोर्स रखूं, तो मैंने टेबल लैम्प भी रखा है, शैंडलियर भी रखा है, उसके साथ में मेरे पास में बड़े बड़े पावरफुल लाइट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा रोशनी मुझे चाहिए होती है तो मैं वो ऑन कर लेती हूँ। उसके साथ मेरे पास स्पॉट लाइट्स भी है, तो जब भी मूड लाइटिंग चाहिए होता है तो मैं स्पॉट लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मैंने लाइट्स का इस्तेमाल किया है ताकि रूम दिखने में और भी अच्छा लगे। खास बात यह है मेरे डाइनिंग रूम की कि इसके सामने में 8 फीट का बड़ा सा UPVC का दरवाजा है, मतलब पूरे शीशे का दरवाजा है, वो भी 8 फीट का, तो बहुत अच्छी रोशनी आती है सामने से, तो घर में बिल्कुल भी कभी भी अंधेरा नहीं लगता। इनफैक्ट पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो मुझे कभी भी लाइट नहीं ऑन करना पड़ता है,
तो नेचुरल लाइट अगर आपके घर में ज़्यादा आ रही हो तो डेफिनेटली घर दिखने में अच्छा लगता है। टाइल्स मैंने व्हाइट कलर में लिया है, बड़े साइज का लिया है, तो लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है और ये रूम दिखने में और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। जिस बात का हमने ध्यान रखा है ताकि लुक बहुत ही सीमलेस आए, बहुत ही मॉडर्न लगे, वो ये है कि हमने किसी भी यूनिट में हैंडल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमारे जितने भी डाइनिंग यूनिट हैं और टीवी यूनिट है, चाहे हमारा किचन है, सभी हैंडल लेस है। इससे क्या होता है, दिखने में बहुत ही सीमलेस लगता है। उसके साथ जिस बात का हमने ध्यान रखा है वो ये है कि हमने हाइट हर चीज़ की बढ़ा दी है। इससे ये होता है कि घर थोड़ा ऊँचा है, बड़ा है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरे घर में जब भी कोई आता है वो ये ज़रूर कहता है कि लगता नहीं है कि अपार्टमेंट है, लगता है कि विला में आ गए हैं। वो क्यों लगता है, क्योंकि हाइट हमने बढ़ा दी है हर चीज़ों की, जिसकी वजह से घर की हाइट ओवरऑल बहुत ऊंची लगती है। जनरली लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी यूनिट बनाते हैं, चाहे वो टीवी यूनिट है या फिर वो क्रॉकरी यूनिट है, सभी की हाइट को 7 फीट पे रखा जाता है। बहुत लोग तो 6 भी रखते हैं, बहुत लोग 7 फीट का कर देते हैं। उसके बाद जो होती है वॉल खाली होती है, तो इससे घर की हाइट कम लगती है। मैंने क्या किया है, हर चीज़ की हाइट को बढ़ा दी है। तो मेरे घर में जितने भी यूनिट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो डाइनिंग में हो चाहे वो लिविंग में हो, सभी का हाइट 8 फीट का किया गया है और एक समान 8 फीट का कर दिया गया है। 8 फीट के सारे हाइट हो गए। और जो पर्दा मैंने लिया है डाइनिंग रूम का, वो मैंने छत से लिया है, तो लगभग वो 9.5 फीट से नीचे आ रहा है। तो इससे घर की हाइट बहुत ऊंची लगती है और घर दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है। यहाँ पे मैं आपको क्लास में टिप देना चाहूंगी कि अगर आप भी ऐसा ब्राउन, व्हाइट और बेज के थीम में जाना चाहते हैं, तो इसके साथ में थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक भी जरूर ऐड करें। तो मैंने वो फॉलो किया है अपने घर में। तो सोफा मैंने ग्रे में लिया है, डाइनिंग चेयर्स को मैंने ब्लैक में रखा है और कहीं कहीं पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक को ऐड किया है। ब्लैक ऐड करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा डायमेंशन क्रिएट होता है, वो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ देता है और जो भी चीजें आप उसके आसपास रखते हो, चाहे व्हाइट है, बेज है, ग्रीन है, उसको दिखने में वो और भी अच्छा बनाता है। तो मैंने कहीं कहीं पे हिंट ऑफ ब्लैक रखा है, पर ज्यादा नहीं, बहुत ही लिमिटेड रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह सिर्फ ब्लैक ही दिख रहा हो, तो बहुत ही बैलेंस करके मैंने किया है। अब आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूं, तो ऑफ कोर्स मैंने अपने घर के हर एक चीज को वास्तु के अनुसार ही रखा है। और जैसा आप देख रहे हैं मेरा घर काफी सजा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम वास्तु फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा घर अच्छा दिखेगा नहीं। अगर हम दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं तो घर भी अच्छा दिखने वाला है आपका और वो वास्तु के हिसाब से भी होगा। इसीलिए मेरे आप इस वॉल में देख रहे होंगे कलर जो है मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, इनफैक्ट घर के हर कोनों में। तो मेरे
लिए बहुत जरूरी था कि घर दिखने में भी अच्छा लगे और वास्तु के अनुसार भी हो। तो वो सब सोच के मैंने इस पूरे घर को डिजाइन किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे जो मेरे कुछ और टूर बचे हुए हैं मैं वो भी करूंगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं लिविंग रूम के लिए, मुझे वो भी करना है। एक बार किचन का भी मुझे करना है। पहले मैंने किया है, वो थोड़ा सा वो बड़ा बनाया था, तो एक छोटा सा किचन टूर भी लाऊंगी मैं। मीनवाइल आप चाहे तो मेरे मास्टर बेडरूम का टूर देख सकते हैं, बाथरूम का, और मेरा एक स्टडी रूम है उसका मैंने पहले बना दिया है। बैल्कनी का भी बनाया हुआ है, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय।